घाटे में चल रहे विद्युत विभाग को इससे उबारने के लिए और सरकार के आदेश पर आज एसटीओ और जेई के नेतृत्व में विद्युत विभाग के दर्जनों कर्मचारी पुलिस बल के साथ अभियान चलाकर ऐसे कनेक्शन धारकों के कनेक्शन को काटा जो मीटर के साथ छेड़छाड़ या चोरी से लाइट जलाते थे। साथ ही उन उपभोक्ताओं के भी लाइट को काटा गया जिनका बिजली बिल बकाया 10,000 से ज्यादा का था। देखिए जो बकायेदार हैं और जो बिजली चोरी करते पाए जा रहे हैं उनकी लाइन काटी जा रही है, और जो बिजली चोरी करते हैं सर पाया जाएगा, उसका एफआईआर भी किया जाएगा। और जनता से बार बार बिजली अपील भी कर रहा है, क्योंकि हमारे उम्रों को सरकार को बहुत प्रेशर है। अभी आंदोलन चल रहा था, इसी प्रेशर पर समाप्त भी हुआ है। हमें 3 महीने के अंदर जितने घाटे हैं उसको भरपाई करनी है। जो बिजली चोरी कर रहा है उसको उस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश हुआ है। और इस पर जनता से मैं अभी अपील भी करता हूँ, जो चोरी कर रहा है आज तक जो कर रहा है वो विभाग को सूचना दे, उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी। मिनिमम जो चार्जेज होते हैं 6 महीने का, वो चार्जेज उनसे लिए जाएंगे, उनका जो कनेक्शन नियमित कर दिए जाएंगे। लेकिन जो चोरी करते हैं सब पाए जाएंगे, एफआईआर किया जाएगा, और एफआईआर के तहत जो भी कार्रवाई होगी पेनल्टी होगी उस पर दिया जाएगा विभाग द्वारा। विभाग आदेश है कि 10,000 रुपये जितने बकायेदार हैं जो पैसे समय से नहीं जमा कर रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उसकी एक लिस्ट आई हुई है, वो बकायेदारों को प्रतिदिन काटा जाएगा। पहले हमारा एक मुफ्त में रकम जमा किया जाएगा तो या उनको कुछ नहीं, नहीं अगर गरीब है पैसा देने लायक नहीं है तो उसको 2-3 किस्तों में भी व्यवस्था हमारे यहाँ है कि वो जमा कर सकते हैं, और जो देने वाला है वो दे, और नहीं देने वाला है उसका भी एक यह है कि आपके पार्ट पेमेंट आता है टीटी करके, उसको हम जमा कर सकते हैं। ठीक, मैं उसके लिए अपील करता हूँ, जो आपके पास पैसे हैं दो, अगर 10,000 बिल बाकी तो आप 2-3-4 करके ही 3 किस्तों में जमा कर दीजिए, विभाग आपको पूरा सहूलियत देगी और उसकी कनेक्शन नहीं काटी जाएगी। ब्रिजेश कुमार त्रिपाठी, मीटर सेक्शन।